नया हफ्ता और लोकी का एक और शानदार एपिसोड हमें देखने को मिला। विक्टर टाइमली कौन है, रवोना का क्या एंड गोल है, टीवीए और काफी सारी डिटेल्स हमें पता चली, जिसके साथ ये हमारे मन में काफी सवाल भी छोड़ कर गया है। तो भाई आया है तो कोशिश करूंगा कि आपको हर एक डिटेल बता पाऊं जो मैं नोटिस कर पाया लोकी के सीजन 2 एपिसोड 3 में। तो बिना किसी को बेवकूफ बनाए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है मार्वल के लोगों के साथ और यहाँ जो ओल्ड स्कूल पियानो बज रहा था वो हमें एपिसोड की टोन के लिए भी सेट करता है, क्योंकि पूरा एपिसोड 1800 में सेट है। तो सबसे पहले हम आते हैं शिकागो 1868 में, जो कि सेक्रेट टाइमलाइन में था। यहाँ हम रवोना को देखते हैं जो कि सीजन 1 की एंडिंग से डायरेक्ट यहाँ आई है और वहाँ यहाँ किसी कारण से आई है। मिस विनट्स उसे एक पैकेज डिलीवर करने को देती है और वो पैकेज था विक्टर टाइमली के लिए, जो इस समय एक बच्चा था। ये कॉमिक्स से काफी अलग था क्योंकि कॉमिक्स में कैंग ओरिजिनली 31st सेंचुरी से बिलोंग करता था, जहां बोर होने के कारण वो टाइम में पीछे आता है अर्थ को कॉन्कर करने, और थ्रू आउट हिज कॉन्क्वेस्ट जब कैंग बुरी तरह हार जाता है तो वो पास्ट में 1901 में आता है और अपना नाम बदलकर विक्टर टाइमली रख लेता है। वहां वो विस्कॉन्सिन नाम के टाउन को फाउंड करता है और उसका मेयर भी बन जाता है, जिसको लेकर हमें आगे एपिसोड में हिंट भी देखने को मिलता है। कैंग की पूरी ओरिजिन जानने के लिए ऊपर फ्लैश हो रहे लिंक पर क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ ओरिजिन को चेंज करने का रीजन हो सकता है क्योंकि ये कैंग का वर्जन नहीं बल्कि एक वेरिएंट है, और हम जानते हैं कि अलग अलग वेरिएंट्स का ओरिजिन अलग अलग तरह से हो सकता है। यहाँ पर एक बात और है जो नोटिसेबल है, और वो ये कि ये बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है। टाइम ट्रैवल एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है और इसे समझने के लिए इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। खैर इतना डीप ना जाते हुए बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स की बात करें तो आप इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक साइंटिस्ट है और उसके गेट पर कोई नॉक करता है, और जब वो गेट खोलता है तो उसे एक बुक मिलती है जिसमें टाइम मशीन बनाने का तरीका लिखा हुआ है। फिर वो साइंटिस्ट उसे यूज करके टाइम मशीन बनाता है और समय में पीछे जाएगा और अपने डोर पर खुद दोबारा नॉक करेगा, और वहीं वो बुक को दोबारा छोड़ देगा। और यहाँ जैसा मिस मिनट्स कहती भी है कि ये सब ही हू रिमेंस का ही प्लान है, तो हम यहाँ ही हू रिमेंस को ही खुद का ओरिजिन लिखते देख रहे हैं। यहाँ से हम टीवी में वापस जाते हैं, जहाँ ओबी टेम्पोरल लूम को लेकर परेशान, जो कि ही हू रिमेंस के टेम्पोरल ओरा से ही खुलेगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। पिछले एपिसोड में जितनी टाइमलाइंस प्रून की गई थी सभी वापस ग्रो हो रही हैं, जिससे लूम दोबारा ओवरलोड होने लगा है। यहाँ मोबियस और लोकी जाते हैं मिस मिनट्स की तलाश में, जहाँ उन्हें ये ले आता है शिकागो 1893 में, जहाँ वो वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन में आए हैं। यहाँ उन्हें मिस मिनट्स के बारे में जानकारी मिलती है एक न्यूज़पेपर के थ्रू, और वो दोनों रवोना और मिस मिनट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ढूंढते हुए दोनों नॉर्स गॉड के श्राइन के सामने आते हैं, जहां मार्वल वालों ने एक काफी ही स्मार्ट ईस्टर एग डाला है। यहां हम तीन स्टैचूज देखते हैं, पहला ओडिन का जो कि सर एंथनी हॉपकिंस से काफी रिजेंबल कर रहा था, जिन्होंने एमसीयू में भी ओडिन का रोल किया है। दूसरा थोर का जो कि क्रिस हेम्सवर्थ से काफी रिजेंबल कर रहा था। पर तीसरा स्टैचू काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो था बोल्डर द ब्रेव का। जिन्हें नहीं मालूम, बोल्डर द ब्रेव थोर कॉमिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के रिलीज के दौरान ये न्यूज काफी ट्रेंड कर रही थी कि डैनियल क्रैग को बोल्डर द ब्रेव के रूप में कास्ट कर लिया गया है, पर ये कोविड की वजह से कभी कैपिटलाइज नहीं हो पाया। यहाँ लोकी को एडवर्टाइजमेंट दिखता है जिस पर लिखा हुआ था विक्टर टाइमली टेम्पोरल मार्वल्स, और वो अंदर चले जाते हैं। फिर यहाँ एंट्री होती है विक्टर टाइमली की, जहाँ वो बात करता है टाइम को एनर्जी की तरह यूज करने की। यहाँ वो अपने डिवाइस की प्रेजेंटेशन देता है कि कैसे ये पूरे प्लेनेट को पावर दे सकता है। फिर वहाँ इस प्रोटोटाइप को लेकर बिडिंग शुरू होती है और $1000 पर डील फाइनल होती है। विक्टर यहाँ रवोना से भी पहली बार मिलता है। पैसे लेकर विक्टर वहाँ से निकलने लगा था और यहाँ वो बिडर विक्टर के पीछे पड़ जाता क्योंकि उसने उन्हें पागल बनाया था। हमें पता चलता है कि विक्टर एक काफ़ी बड़ा कॉन मैन है, जो कि पैसों के लिए लोगों को पागल बनाता आ रहा है। फिर मोबियस, लोकी और रवोना तीनों ही टाइमली को रोक लेते हैं और उससे बात करने लगते हैं, पर वो गुंडे उनके पीछे थे तो वो भाग का जा रहा था। फिर वो बचने के लिए एक फेरिस व्हील पर चढ़ जाता है, जहां सिल्वी भी आ जाती है जो कि उसे मारने आई थी। लोकी यहां विक्टर को प्रोटेक्ट कर रहा था और सिल्वी उसे मारना चाहती थी,
ठीक वैसे ही जैसे हमने सीजन 1 के फिनाले में देखा था। सिल्वी एक ब्लास्ट करके उन्हें व्हील से बाहर फेंक देती है और रवोना मिस मिनट की मदद से विक्टर के साथ वहां से भागने में कामयाब होती है। उसके घर पर विक्टर अपने इन्वेंशन रवोना को दिखाता है और ये देखता है कि मिस मिनट जेलस होने लगती है। रवोना विक्टर को बताती है कि कैसे उसके एक वेरिएंट ने टीवी को क्रिएट किया था। फिर वही गुंडे वहां पर आ जाते हैं तो वो लोग वहां से भागते हैं जहां विक्टर को विस्कॉन्सिन में जाना था क्योंकि उसकी लैब में कुछ इंपॉर्टेंट सामान था। विस्कॉन्सिन और विक्टर टाइमली का कनेक्शन मैंने वीडियो में आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। बाहर लोकी उस गुंडों को हरा देता है और विक्टर और रवोना एक शिप पर आ जाते हैं। विक्टर रवोना को अपने डिजाइन वगैरह दिखाने लगता है और दोनों क्लोज आ रहे थे। ये देखकर वो पापी घड़ी की आत्मा जल रही थी। विक्टर यहाँ अपने सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन की बात करता है और वैसे तो ये क्या है ये समझ नहीं आया, पर इसे थोड़ा ध्यान से देखने पर मुझे ये टाइम स्फीयर या फिर वो कोर जैसा देखने में लगा जो हमने क्वांटम मेनिया में देखे थे। फिर रवोना पार्टनरशिप की बात करती है क्योंकि विक्टर टाइमली पार्टनर्स नहीं बनाता तो वो उसे एक बोट में से डंप कर देता है। विक्टर की लैब में मिस मिनट्स फुल ऑन नोटी हो रही थी और सच कहूँ तो ये स्क्रीन काफ़ी क्रीपी लग रहा था। मिस मिनट्स चाहती थी कि उसकी भी एक रियल बॉडी हो ताकि वो विक्टर की गर्लफ्रेंड बन सके। विक्टर इधर मिस मिनट्स को शट डाउन कर देता है कि तभी रवोना वहाँ आ जाती है जिसके साथ साथ वो एक प्रूनिंग स्टिक लेकर आई थी अर्ली डिज़ाइन का। तभी लोकी और मोबियस भी वहाँ आ जाते हैं और यहाँ कन्वर्सेशन होती है कि कैसे रवोना ने इयोन्स तक टीवी को सर्व किया है सेल्फलेसली और अब वो अपने लिए टॉप पोजीशन चाहती है। फिर सिल्वी भी वहाँ आ जाती है और विक्टर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड लगा देती है। विक्टर कहता है कि उसकी खुद की फ्री विल है और उसने अभी तक कुछ नहीं किया है और सिल्वी को रियलाइज होता है कि वो खुद टीवी जैसी बनती जा रही थी। लोगों को चॉइस दिए बिना उनकी लाइफ को वाइप कर देना ही रीजन था सिल्वी का टीवी के अगेंस्ट जाना और अब वो खुद ही यही करने जा रही थी। एंड में वो उसे छोड़ देती है और टीवी में भेज देती है और खुद रवोना से हिसाब करने के लिए रुक जाती है। वो रवोना को एंड ऑफ टाइम के कैसल में भेज देती है जो कि टूट रहा था। यहाँ हम देखते हैं ही हुरी में इसकी डेड बॉडी जो अभी तक अनटच्ड थी। पीछे हम टाइम स्टैंड्स को ब्रेक होते हुए देखते हैं जैसा हमने सीजन 1 में देखा था। यहाँ मिस मिनट्स और रवोना सोचते हैं कि उन्हें ये पोजीशन खुद के लिए लेनी चाहिए और मिस मिनट्स कुछ सीक्रेट की बात करती है जिसे सुनकर रवोना को काफी गुस्सा हो जाएगी जिसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। इस क्लिफहैंगर को लेकर मेरे मन में एक दो पॉसिबिलिटीज हैं जिस पर हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे वरना ये वीडियो घंटों लंबा बन जाएगा। तो आप लोग बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या फिर कोई इंटरेस्टिंग डिटेल हो जो आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम सी यू टेक केयर। Struggle with every step.